श्रद्धा सिन्हा जी अब नहीं रही, जिनके कारण पूरे विश्व में छठ गीतों को जाना जाता है और पूरे विश्व में उन्होंने छठ पूजा को एक तरह से आप समझिएगा तो उन्होंने हर तरीके से पहुंचाया है। अगर भारत को कोई उद्योगपति इस तरह से आगे बढ़ाया है तो वो सर रतन टाटा थे। बहुत सारे उद्योगपति हैं, अंबानी जी हैं, बिरला जी, कोने तक हर देश विदेश गांव में अगर लोग जानते हैं तो ऐसे ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं जो तीतागर शांति संघ द्वारा छठ पूजा के अवसर पर समाज सेवक रूपेश सिंह रतान टाटा और शारदा सिन्हा को याद करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, साथ में नगरवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी, साथ में दिखे टीटागर त्रिमूल छात्र परिषद के प्रेसिडेंट अभिजीत शौजिस आवाज से छठ की शुरुआत हुआ करती थी, वही आवाज छठ के शुरू होते ही खामोश हो गई। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है। शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से ऐसी सामूहिकता का सृजन किया जिसे पहचानने के लिए जोर जोर से चिल्लाना नहीं पड़ता है बल्कि चुपचाप अपने भीतर महसूस करना होता है। उनके गीत छठ का हिस्सा हैं। इस छठ पूजा में टिटागर शांति संघ ने उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए देखते हैं आगे की वीडियो। बिल्कुल, हमारे बीच श्रद्धा सिन्हा जी अब नहीं रही, जिनके कारण पूरे विश्व में छठ गीतों को जाना जाता है और पूरे विश्व में उन्होंने छठ पूजा को एक तरह से आप समझिएगा तो उन्होंने हर तरीके से पहुंचाया है कोने कोने तक, हर देश विदेश गांव में अगर लोग जानते हैं तो ऐसे ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं जो हर घर हर देश और हर गाँव में बसते हैं। तो श्रद्धा सिन्हा जी बहुत ही सम्मानित और उनके गले में माँ सरस्वती विराजमान थी, वो अब हमारे बीच में नहीं है। शांति संघ के सभी मेंबर्स जो प्रत्येक वर्ष लगभग 1991 से इस पूजा को चला रहे हैं और बड़ी कड़ी मेहनत और निष्ठा से ये करते हैं और इस सजावट को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने हमें इस पूजा को बढ़ाया, आगे दिया करने के लिए। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से इसे आगे बढ़ाया। हमारे सीनियर हैं संजय चौधरी जी, ये पहले चलाते थे क्लब को, फिर इन्होंने हमारे हाथ में दिया और हम लोगों ने, जैसे ये आज इस समय प्रेसिडेंट है, ये हमारे कैशियर हैं और ये हमारे सेक्रेटरी हैं, तो हम लोग नई पीढ़ी को बढ़ावा देना चाहते हैं कि वो पूजा पाठ में पूजा को समझे, जो कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये है लोगों को भावना देने के लिए, शक्ति देने के लिए। माँ की आराधना होती है, सूर्यदेव की आराधना होती है कि लोगों में शक्ति मिले और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। दूसरी बात कि हमारे बीच सर रतन टाटा जी जो कि अब नहीं हैं, उनका जीवन बहुत ही सराहनीय था और उनका जीवन जिस अगर कोई भी कोई बच्चा हो, कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी अगर उनके जीवन से सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए हैं। लोग पैसे कमाते हैं, लोग पैसे के पीछे पागल हैं, मर रहे हैं लोग पैसे के लिए, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने ऐसे व्यक्तित्व दिया, ऐसा व्यक्तित्व था उनका जिन्होंने भारत को सम्मान दिलाया है पूरे विश्व में और धरोहर माने जाते थे रतन टाटा जी। आज उन्होंने जो भी किया है, आज हम लोग जो भी देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, आज के युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं जो समझ नहीं रहे हैं, जो जानते नहीं हैं उनको सही से, ये श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित किया गया है ताकि उन लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि हम लोगों ने अगर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हम लोग आने वाले समय में उनके बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाए, उन लोगों को बताया जाए कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। अगर भारत को कोई उद्योगपति इस तरह से आगे बढ़ाया है तो वो सर रतन टाटा थे। बहुत सारे उद्योगपति हैं, अंबानी जी हैं,
बिरला जी हैं, पर इनका जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व किसी के अंदर नहीं है, ना ही कभी मिल सकता है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये भगवान के भेजे हुए व्यक्ति थे और हमारी संस्था बड़ी लगन निष्ठा और बड़ी मेहनत से इस काम को किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके मार्ग पर चलें और लोगों की मदद करें। हम लोग को वो यही सिखाते हैं कि लोगों को मदद करना है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ लोगों के मदद करना और कर्म करना ये हमारे ऊपर है और हमारे मन के ऊपर है। तो हम लोग ये करते रहेंगे, हमारी टीम करते रहेगी और शांति संघ आगे बढ़ती रहेगी इस चीज़ को लेके। नए युवा को क्या मैसेज देंगे? नए युवा को यही मैसेज दिया जाएगा कि मन लगा के मेहनत कीजिए, पैसे के पीछे भागिए, पैसे कमाइए, पर एक बात याद रखिए कि आपका व्यक्तित्व आपको एक ही चीज़ के लिए जाना जाएगा, वो है आपका धर्म और आपका कर्म। आपको आपके कर्मों का फल मिले, भगवान आपको देख रहा है, आप इतना आश्वस्त रहिए, आप कर्म ऐसे कीजिए कि आपको खुशी रहे, आपको विश्वास रहे कि भगवान देख रहे हैं, जो बुरा होगा भगवान अच्छा करेंगे। आपको डर नहीं होना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं कहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये उत्साह होना चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए आपके कर्म के साथ कि भगवान देख रहे हैं, अगर कुछ बुरा हुआ तो वो मेरे कारण होगा, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मुझे पता है वो आप लोगों की दुआओं के कारण होगा। कितने साल से ये संस्था जो है? ये संस्था 1991 से चल रही है, 1991 से। मैं जैसा बोल रहा हूँ कि हमारे सीनियर है संजय चौधरी जी, हमारे सीनियर थे संबुदा यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी उपस्थित नहीं हैं, और हम लोग जैसे ये हमारे भाई अभिजीत प्रेसिडेंट रहे हैं यहाँ पे, संजय ये हमारे भाई सेक्रेटरी रहे हैं एक समय के लिए, हम भी लोग चलाए हैं संस्था को, अब हम लोग संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं कि बच्चे चला सकें, और इस चीज़ को करने में हमारा बहुत सहयोग मिलता है लोगों से जो आसपास के लोग हैं। जैसे हम लोग 20 रुपया करके टोकन चंदा उठाते हैं, हम लोग हिंदू हो मुसलमान हो हर जगह जाते हैं और हर किसी से हमें ये सहयोग मिलता है। कोई ये नहीं कहता है कि नहीं हम 10 रुपया नहीं देंगे, 20 रुपया नहीं देंगे, और उन्हें पता है, उन्हें विश्वास है कि ये जो पैसे हम दे रहे हैं वो सही जगह पर उपयोग होंगे, वो दुरुपयोग नहीं होंगे, जिसके कारण से पूरे शहर में हम लोग 10 रुपया 5 रुपया करके चंदा उठाते हैं और इस पूजा को करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम लोग अभी घूमने आते हैं यहाँ पे, देखने आते हैं इस पूजा के सजावट को, और हमारे माता बहनें जो रहती हैं वो जो छठ करती हैं, हिंदू भाई बहन जो भी छठ करते हैं, उनका सहयोग रहता ही रहता है, पर इसमें 4 चांद लगाता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो इतने उत्साह से इस चीज़ को करते हैं, वो बहुत ही प्रेरणा देता है कि आने वाले समय में इस पूजा को हम लोग और अच्छे से आगे बढ़ा सकें और उनका सहयोग बना रहे। हम विश्वास दिलाते हैं कि ये पूजा और अच्छा होता जाएगा और इससे हमारा एक क्लियर मैसेज जाता है कि हम समाज के साथ हैं, समाज में अगर कभी भी दिक्कत होगी तो हम लोग रहेंगे। जैसे कि 2020 में कोरोना आई थी तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया था, घर घर हर घर खाना पहुँचा था, जिनके घर पर खाना खाने का बहुत तकलीफ चल रहा था 2020 में, कोरोना लॉकडाउन चल रहा था उस समय से, और 1991 से आप कभी भी आप आसपास के लोगों से पूछिएगा तो हमारा क्लब हमेशा से खड़ा रहा है, लोगों ने बहुत मेहनत किया है और बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा अभिजीत, क्या बोलना चाहोगे तुम? मैं आपको बताना चाहूँगा कि छठ पर्व जो होता है, ये हम लोग जितने भी हम लोग बंगाल में बसे हैं जो कि यूपी बिहार से आए हुए लोग हैं, और यूपी बिहार हमें ये सिखाता है कि डूब